सो फाइनली यहाँ पे काफी इंतजार के बाद पोको की तरफ से हमें पोको एक्स टू 4 फरवरी इंडिया के अंदर लॉन्च देखने को मिल जाएगा, न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च होगा और साथ ही साथ ये फोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होगा दोस्तों। इसी के साथ इसका लैंडिंग पेज भी जो है ना फ्लिपकार्ट के ऊपर लाइव हो चुका है। लैंडिंग पेज को देखने से दोस्तों ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि पोको एक्स टू एक्चुअल में रेडमी के 30 का डी ब्रांड वर्जन होगा। बाय द वे बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन मिलेगा पोको एक्स टू में एंड प्राइसिंग क्या होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो पे एक लाइक चाहिए एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सो स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। तो 4 तारीख ऐसे फ्लिपकार्ट के ऊपर पोको एक्स टू को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन एंड फीचर के बारे में, तो कुछ इस तरीके से आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ USB टाइप सी एंड स्पीकर ग्रिल जो कि एग्जैक्टली रेडमी के 30 के जैसे ही आपको डिजाइन देखने को मिलता है इस इमेज में दोस्तों। यहाँ पे बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलो कि रेडमी के 30 का रीब्रांड वर्जन होगा या तो फिर ये कोई दूसरा और फोन होगा। फ्रंट साइड में आपको मिलता है कॉर्नियंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन एंड बैक साइड में भी आपको कॉर्नियंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलता है जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन दोस्तों। यहाँ पे रेडमी के 30 के जैसे ही आपको डिज़ाइन मिलेगा और रेडमी के 30 का ही रीब्रांड वर्जन होगा अभी तक तो यही लगता है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे इस फोन की प्रोसेसर के बारे में, चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पे कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ है कौन सा प्रोसेसर मिलेगा इस फोन में, कौन सा चिपसेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730G ऑक्टाकोर चिपसेट के साथ देखने को मिल सकता है जो कि रेडमी के 30 में हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ कुछ कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन 765G। अभी देखना होगा स्नैपड्रैगन 730G के साथ पोको X2 हमें देखने को मिलता है या तो फिर स्नैपड्रैगन 730G के साथ। ज्यादातर चांसेस तो यही है दोस्तों स्नैपड्रैगन 730G के साथ पोको X2 हमें देखने को मिल जाए। कैमरे के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों ये चीज कंफर्म हो चुका है, कैमरा यहाँ पे आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का सेंसर मेन RGB जो कि सोनी IMX686 सेंसर के साथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर बैटरी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 4500 mAh बैटरी के साथ देखने को मिलेगा। USB टाइप सी पोर्ट होगा, फर्स्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। यहाँ पे आपको मिलता है लिक्विड कूलिंग का टेक्नोलॉजी, तो दोस्तों ये फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो पोको X2 का जो बेस वेरियंट स्टार्ट होगा अगर स्नैपड्रैगन 730G ऑक्टाकोर चिपसेट के साथ लॉन्च होता है तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगा 16 से लेकर 17 हज़ार, और अगर स्नैपड्रैगन 765G के साथ लॉन्च होता है तो प्राइसिंग हो सकता है 20 से लेकर 22 हज़ार तक चला जाए। तो दोस्तों यही कुछ था पोको X2 के बारे में। 4 तारीख को लॉन्च होगा, कंफर्म हो चुका है, फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव फोन होगा और बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर में आपको पोको X2 देखने को मिलेगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।